स्टूडेंट स्पाउजल वीजा पे आने के लिए फेक मैरिज करना या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके आना कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान हो सकता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। चेक मैं हूं जॉनी हंस एंड लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो इसलिए क्योंकि यार हम आपके साथ प्रोग्राम्स की बातें करते हैं, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि 2021 में कौन से बेस्ट प्रोग्राम्स हैं जिनको लेके आप कनाडा में आ सकते हो, या फिर हमारा इंग्लिश चैनल है एवरीथिंग अबाउट कनाडा, उसमें हमने अभी वीडियो शेयर की थी कि कौन से बेस्ट वेज हैं 2021 में जो ईजिली आप कनाडा आ सकते हो। तो यार अनगिनत प्रोग्राम्स हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये जुगाड़ लगा रखा है कि यार यू नो स्पाउजल स्पॉन्सरशिप पे, यानी कहने का मतलब है कि स्टूडेंट स्पाउज बनके यू कैन इजीली कम टू कनाडा, तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं या फेक मैरिज कर लेते हैं या अग्रीमेंट कर लेते हैं, आई डोंट नो व्हाट, पर ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। पता तो बॉस आपको भी है ना इस बात का कि यार कोई 20 लाख लगा रहा है, कोई 25 लाख इंडियन लगा रहा है कि चल यार यू नो किसी लड़की के साथ शादी कर लेते जिसके आइल्स में पॉइंट्स अच्छे हैं, तो जिसके आइल्स में पॉइंट्स नहीं है वो भी चला जाता है। जुगाड़ तो बहुत लगा रहे हैं और एजेंट्स ने बहुत जुगाड़ लगा भी रखे हैं। पर हाल ही में यू नो बीबीसी टोरंटो गोंदा पंजाब जो शो है स्पीक अप द माइंड जोगिंदर बासी के साथ, उसमें कंसिस्टेंटली ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे लड़की यू नो आइल्स करके यू नो स्टूडेंट वीज़ा पे कैनेडा तो आ गई, देन शी इज़ नॉट कॉलिंग द गाय बैक, क्योंकि उस लड़के और लड़की की जो शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी या कह सकते हो फेक मैरिज थी, या फिर उन्होंने शादी करवाई सिर्फ कैनेडा आने के लिए। यार माना कि कैनेडा इज़ अ नाइस कंट्री, माना कि यहाँ पे आने के लिए लोग कोशिश करते हैं, हम सब करते हैं, अंडरस्टैंड, बट इतना तकड़ा पंगा भी मत लो कि आप फंस ही जाओ। तो सिंपल सी बात है, अब इस चीज़ को ज़्यादा उछाला जाता है मीडिया में कि यार लड़की बदल जाती, लड़कियां बदल जाती हैं कनाडा आके, और फिर वो यू नो लड़के को बुला नहीं रही, लड़के वाले चीखते हैं कि हमने 25 लाख लगाया, 30 लाख लगाया। यार पहले आप काम ही वैसा क्यों करते हो, राइट? और लड़कियों को जब आप ब्लेम करते हो तो यार डोंट मेक अ फसाड अबाउट ऑल द गर्ल्स, ना तो सारी लड़कियां एक ही तरह की हैं, ना सारे लड़के। वैसे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बात को बताता हूं कि कनाडा के इमिग्रेशन में स्पेशली इंडियंस के केस में बहुत सारे लड़के आते थे, इवन जो मैरिड होते थे यहां पे आके किसी और से शादी करवा लेते थे। ऐसा भी होता था कि यार वो इंडिया में लड़की उनकी गर्लफ्रेंड है, यहां पे उन्होंने कोई और ढूंढ ली, शादी किसी और के साथ करवा ली, सो देयर यूज्ड टू बी सो मच हैपनिंग। पर ऐसे जब मीडिया में बात जाती है तो बहुत सारे लोग फोन कर करके यू नो प्रोग्राम्स में ये कहते हैं कि यार इस लड़की को डिपोर्ट करवा दो, इस लड़की को ये कर दो, ये लड़की चोर है, ये लड़की ऐसी है, तो उस लड़की को भी इन अ वे हैरेस किया जा रहा है। बट अब रियलिटी तो किसी को नहीं पता होती कि यार हुज राइट एंड हुज रॉन्ग। सबसे पहली बात, अगर आप इमिग्रेशन के पास जाओगे भी कि यार इस लड़के या लड़की के साथ मैंने शादी की थी, अब मेरे को कनाडा नहीं बुला रहा, तो एक बात याद रखो, जो भी आपका हस्बैंड या आपका यू नो रियल हस्बैंड, रियल वाइफ, यू नो कॉन्ट्रैक्ट वाले या जो भी कहानी है आपकी, अगर वो कनाडा आते हैं तो आपको बुलाना इज अ डिस्क्रेशन, इट्स नॉट अ कंपल्शन। वो उनकी चॉइस होती है कि वो आपको बुलाएं या ना बुलाएं, तो आप उनके ऊपर लीगली कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि यू नो अगर आपको लगता है कि यार आपके बैंड्स कम हैं, आपको जल्दी जल्दी काम बनाना है, कौन पंगा लेगा, जिन बच्चों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, घर वालों के पास एक्स्ट्रा मनी होती है ना, सो कॉल्ड की 25-30 लाख ला देंगे, कोई गल नहीं, मुंडे तो कितने आइल्स होने हैं, क्यों नहीं भी हो सकते आइल्स, क्यों नहीं करेगा लड़का आइल्स। अगर आपको लगता है कि यार आप एक बार, आई हैव पर्सनली कम अक्रॉस ऐसे भी बंदे जिन्होंने 5-5 बार आइल्स दी एंड 6 टाइम दैट पर्सन कुड गेट गुड स्कोर एंड द पर्सन इज इन कैनेडा। तो कहने का ये मतलब है कि बिफोर यू गिव अप, ये चीज सोच के कि आपसे आइल्स नहीं होगी और आप जुगाड़ वाली मैरिज करवा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो उससे पहले दो बार सोच लो। वो इसलिए क्योंकि 25 लाख भी हाथ से जाएगा, जो भी आप अमाउंट आजकल देते हो वो भी हाथ से जाएगा, और लड़की भी हाथ से जाएगी, और वीजा भी हाथ से जाएगा। सो यू आर रिस्किंग 3 things। उसकी बजाय यार थोड़ा रिसर्च कर लो कनाडा के, लाइक मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स है ना हर प्रोविंस में कि कोई ना कोई चीज़ आपके साथ फिट बैठ जाएगी। आप अपने यू नो स्टूडेंट वीज़ा पे अगर नहीं बात बन रही, यू कैन कम एक्चुअली यू नो
एज अ वर्कर हियर, किसी ना किसी ट्रेड में तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, LMIA मिल जाती हैं, यस उसमें पैसे लगते हैं, जितने आपने लड़की के ऊपर पैसे लगाने उतने आप LMIA पे लगा सकते हो पैसे, थोड़े बैंड्स उसमें कम बैंड्स पे भी बात बन जाती है यार। देर आर लाइक न्यूमरस वे, यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम है, इतने प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप आ सकते हो, आपको इतना बड़ा पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर ले लिया तो फिर चीखें नहीं मारनी उसके बाद, वो इसलिए कि अगर तो पंगा आपने लिया आपको पता है, या तो आप उसके साथ शादी कर रहे हो जो आपके बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, जहां आपको पता है कि यार यू नो दिस इज समथिंग दैट यू जेन्युइनली वांट टू डू, और वैसे भी किसी भी तरह का फेक काम फेक ही होता है और इट इज लाइक चीटिंग इमिग्रेशन। किसी भी दिन इमिग्रेशन को ये चीज़ पता चलती है आपका जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं साबित होता, तो ऑब्वियसली यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। और अगर आपको ये लगता है कि आप यार एक रेडियो शो पे जाके या किसी और टीवी चैनल पे जाके इस चीज़ को बहुत ट्वीट करोगे, इस चीज़ का शोर मचाओगे, तो कम्युनिटी वाले लड़की को उठा के भेज देंगे इंडिया, या लड़के को उठा के इंडिया भेज देंगे कि भाई इसने पैसे ले लिए और लड़के या लड़की को बुला नहीं रहा, तो ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। यहाँ पे भी कोई रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जिनके थ्रू ये सारी प्रोसेस होती है। तो अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज का नहीं पता तो किसी एजेंट के पीछे लग के जुगाड़ लगाने से पहले एटलीस्ट थिंक ट्वाइस और थ्राइस कि यार ये चीज़ आपके फेवर में जाएगी या नहीं जाएगी। क्योंकि वैसे भी अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कनाडा आ रहे हैं तो पहले ही इंडिया से डायरेक्टली स्पाउस वीज़ा लगना इतना आसान नहीं है आजकल, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं। बेस्ट पॉसिबल तरीका ये होता कि यार आपका जो अगर स्टूडेंट वीज़ा लग गया है देन यू नो वेट फॉर एटलीस्ट 4 मंथ ताकि उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाएं, आपका रिलेशनशिप जेन्युइन हो, जिनकी 3-4 साल पहले शादी हुई है, 5 साल पहले शादी हुई है, बच्चे हैं उनका तो चलो भाई रिलेशनशिप जेन्युइन है राइट, तो वो बात डिफरेंट है। बट हाँ जिनकी शादी यू नो अभी अभी होती है, जैसे आयल्स आने के बाद होती है, यू नो वीज़ा लगने से 15 दिन पहले होती है, तो वो केसेस में उन यू नो इमिग्रेशन भी वेरीफाई चीज़ों को करती है। दूसरी प्रॉब्लम तो मैंने पहले ही बता दी कि अगर लड़का या लड़की आके ही मुकर जाते हैं कि यार हमने नहीं बुलाना, हमारा नहीं कुछ लगता या व्हाटएवर, तो आप कुछ नहीं कर सकते यू नो अनटिल लेस आप इंडिया में कोई फसाद करते हो, वो डिफरेंट बात है, पर इससे मामले सुलझते नहीं उलझ जाते हैं। सो थिंक ट्वाइस बिफोर दैट। और अगर आपने ऐसा कोई यू नो हिसाब किताब करना है देन मेक श्योर कि वहीं पे करो जहां पे आपको 110% यकीन है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है यू कैन नॉट गो एंड ट्वीट योर हॉर्न बॉस। आप बाहर जाके शोर नहीं मचा सकते कि यार इस लड़की को उठा के कनाडा से भेज दो, हमारे लड़के के साथ बात नहीं करती, हमारे सर के लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं इसने बनाए एंड ऑल द क्रैप, नो वन्स गोना लिसन टू इट, कोई नहीं सुनेगा, लॉ तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। और ऊपर से ये भी चक्कर है कि अगर आप भी कुछ कनाडा इमिग्रेशन को फेक दिखाते हो, इफ़ यू आर चीटिंग ऑन इमिग्रेशन, तो आपके ऊपर भी यू नो एटलीस्ट एक नोट तो बनी जाएगा, क्योंकि फाइल में आपकी इन्फॉर्मेशन भी तो सारी इमिग्रेशन के पास है आई एम श्योर। और ये चीज़ आपको डराने के लिए या कुछ यू नो ऐसा काम करने के लिए नहीं कि आपको आप अपना ड्रीम छोड़ दो कनाडा निकल, नहीं इट्स नॉट। कहने का मतलब है कि ऐसा स्टेप लेने से पहले एटलीस्ट 2-4 बार सोचो ज़रूर, क्योंकि इससे आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, यू नो आपकी ऑब्वियसली रेपुटेशन का, और अगर आप यू नो किसी भी तरह की फेक इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में इमिग्रेशन के पास रेड फ्लैग हो जाते हो तो आपके इन फ्यूचर आने के चांसेस और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और अगर इस YouTube चैनल पे हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप हमारी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हो, यू रियली वैल्यू आर कॉन्टेंट, तो आई थिंक इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप तक पहुँचा दें, ताकि एटलीस्ट आप उस चीज़ को लेके अवेयर हो। और अगर कोई यू नो आपने स्टेप लेना है तो आप उस हिसाब से सोच लीजिए। वंस अगेन कनाडा इमिग्रेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको canada.ca पे मिल जाती है, रिसर्च कर लो, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर आयल्स नहीं आ रहे रिपीट करते रहो, आई एम श्योर यू नो इम्प्रूव हो जाता है बंदा, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। तो आप करते रहो रादर देन गिविंग अप कि यार नहीं 25 लाख कर दें तो लगवा लो, पहला बुलेट लेके दिता है। आई अंडरस्टैंड आपके घर वालों के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है बॉस, बट ये याद रखो कि जब यहाँ पे सफरिंग होती है तो बहुत सारे लोग इसीलिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में पिछले 1.5-2 साल के अंदर अंदर जो सुसाइड का रेट है वो भी काफ़ी बढ़ा है, वो इसीलिए क्योंकि यार पहले आप
किसी भी तरह की यू नो दिखावे के चक्कर में पंगा ले लेते हो एंड देन जब वो चीज़ें सुलझती नहीं है तो बंदा गिव अप कर देता है इवन लाइफ के ऊपर. तो ऐसी सिचुएशंस में ना आओ, इसीलिए गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. अगर आपने आना है तो अपने बलबूते पे आओ यार, कम ऑन योर ओन कैलिबर. वैसे भी अगर आप अपनी यू नो किसी लड़की को के ऊपर पैसे लगा के आप यू नो आ भी जाते हो तो सारी उम्र सुनना तो आपको ही पड़ेगा, राइट? पक्के तो हो जूंगे पर गल गलते जो उन्हें कच्चा करना वो अलग. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. इट्स नॉट अबाउट कि यू नो वेदर अ गर्ल इज कमिंग आफ्टर गेटिंग मैरिड विद अ बॉय और अ बॉय इज कमिंग आफ्टर गेटिंग मैरिड विद अ गर्ल. द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि यार या तो ट्रस्ट रखो उस चीज़ के ऊपर कि जो आपने स्टेप लिया है, या ये ऐसा स्टेप लेने से पहले दो चार बार सोच लो कि यार आप इस चीज़ का रिस्क ले सकते हो या नहीं. तो फिर आपको पता है कि जो रिस्क ले रखा है तो फिर अपनी हिम्मत के ऊपर उस चीज़ को बियर करो. ज़्यादा शोर मचाने से, यहाँ पे बोलने से, वहाँ पे बोलने से इट्स नॉट गोना सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट? और अगर फिर भी आपको यू नो क्योंकि इस YouTube चैनल पे हम ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के प्रोग्राम्स को लेके आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर अपने कैनेडा स्टडी करने आना है और अगर आपके अच्छा आयल स्कोर आपके पास है एंड यू रियली वॉन्ट टू स्टडी इन कैनेडा, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट डेफिनेटली कर सकते हो. YouTube की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया होता है, उस फॉर्म को भर सकते हो. उसके साथ साथ हाल ही में हमने यू नो अभी एक रैप सॉन्ग रिलीज़ किया है विच इज़ साथ नहीं कोई दिंदा सलाह सारे दिन देने. और अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीडियो कॉल पे फ्री कंसल्ट करे तो वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू इट. देयर इज़ अ कॉन्टेस्ट वी आर रनिंग विच इज़ कॉल्ड फ्री एडवाइस. बहुत सिंपल है. यू नो गाने का जो लिंक है यूट्यूब में, आई एम श्योर आपको यू वुड लव इट, हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप पिक कर सकते हैं. शेयर इट ऑन फेसबुक, शेयर इट विद योर 20 फ्रेंड्स, टैग कर दो अपने 20 दोस्तों को, स्क्रीनशॉट ले लो. उसके साथ साथ आस्क 5 ऑफ योर फ्रेंड्स टू कॉमेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट. एंड थर्ड थिंग इज दैट यू नो इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर कर दीजिए, टेक अ यू नो स्नैपशॉट ऑफ इट और स्क्रीन शॉट ऑफ इट, हमें टैग कर सकते हैं आप. और हमें ई मेल एड्रेस हमारा है truefilmsmtl@gmail.com, उस पर हमें ई मेल कर दीजिए. एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट गिविंग यू कॉल बैक्स. तो हमारी कोशिश होगी कि आपके सारे कैनेडा से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम अपने बेस्ट टू यू नो अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन ऑन अ वीडियो कॉल. सो इसी के साथ अगर वीडियो आज की अच्छी लगी प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपका कोई दोस्त ऐसा जुगाड़ लगाने की सोच रहा है तो एक बार उससे शेयर ज़रूर कर लो कि यार ताकि वो इस चीज़ को लेके अवेयर हों बिफोर दे टेक एनी स्टेप. और आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? आई नो हम यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोज़ करते हैं पर ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आपके साथ शेयर करना था. सो दैट्स व्हाई वी आर शेयरिंग. लेट अस नो कि आपका क्या यू नो व्यू पॉइंट है. आप पढ़े लिखे हो, आई एम श्योर यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अबाउट टू बिकम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कैनेडा एंड यू नो वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग. तो आप अपने कॉमेंट्स हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए. और अगर इस यूट्यूब चैनल को आपने पहली बार देखा है तो ऐसे कीजिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट कीजिए बेल बटन, और ताकि जो नोटिफिकेशन हैं वो आपकी स्क्रीन पे टाइम पे आ जाए जैसे ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे. और इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और पंजाबी, कंप्लेन प्लीज़ मत करना. प्लीज़ कंप्लेन करने की जगह आप ये काम कर सकते हो, हमारा इंग्लिश चैनल है विच इज़ कॉल्ड एवरीथिंग अबाउट कैनेडा. गो सब्सक्राइब दैट चैनल, वी गोना शेयर लॉट ऑफ इंग्लिश कॉन्टेंट ऑन इट. ऑन दैट नोट, मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाज़त. हंस दे मुस्कुराते रहो जी. रख रखा.